वेलकम कैशलेट। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। 2017 में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, इनके एग्जाम जो अगले 3 से 6 मंथ्स में होने वाले हैं, उनमें प्री मेन 2 पार्ट में होंगे। कैशलेट का बड़ा महत्व है। एसबीआई के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आए और आगे आने वाला ट्रेंड इसका ही है। कैशलेट में एक मैक्रो व्यू होता है और तब माइक्रो होता है। इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, उसके मुताबिक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। टेबल बनाना हुआ तो टेबल बनाते हैं या फिर जो जरूरी होता है वो करते हैं। तो पहले फर्स्ट 3-4 लाइंस फास्ट पढ़ते हैं, जिससे उसके स्ट्रक्चर का पता चल जाए। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग लगाएं और फिर दूसरी बार सॉल्व करने जाए। नो, कुछ लाइंस पढ़ के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दिमाग में और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। पढ़ता हूं कुछ। इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देर आर 200 डेलीगेट्स, आउट ऑफ दैट 45% डेलीगेट्स स्पीक हिंदी। द रेशियो ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश टू द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग उर्दू, डिफरेंस बिटवीन दिस 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 इंग्लिश हिंदी उर्दू दिस एंड दिस दिस दिस। इतना पढ़ते पढ़ते आपको अनुमान हो गया कि ये सेट थ्योरी का सवाल है। इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देर आर 200 डेलीगेट्स। इधर आइए, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 200 डेलीगेट्स हैं। ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें 200 डेलीगेट्स हैं। ओके, आउट ऑफ दैट 45% डेलीगेट्स स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले 45%। सुनिए पहले, ये हिंदी बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलने वाले और ये उर्दू बोलने वाले। ये फिगर हमने ड्रॉ किया, ये हिंदी बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये उर्दू बोलने वाले। सर्कल के अंदर जो भी हैं वो इनमें से कुछ ना कुछ बोलने वाले, पर टोटल 200 हैं। यानी कि इन 3 लैंग्वेजेस को बोलने वाले के अलावा भी हो सकता है। कभी कभी ये कहता है कि 200 पर्सन्स हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है, तो उस कंडीशन में सब मिला के 200 होता था, पर ऐसा नहीं कहा गया। इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देयर आर 200 डेलीगेट्स, आउट ऑफ दैट 45% डेलीगेट्स स्पीक हिंदी। 45% क्या होगा 200 का? वही जो 90% 100 गए, 90। इसका रियल में मीनिंग क्या होता है, इस पर मैं बात करूंगा, आपको ठीक ठीक समझ में आए। पहला क्लास हो, फर्स्ट वीडियो हो, तो भी सारी चीजें समझ में आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी का मतलब ये पूरा सर्कल हिंदी है, ठीक। 45% हमने कैसे निकाला? 45% ऑफ 200, हमने कहा 90% ऑफ 100, और वो तो हम जानते हैं, इसको हमने डबल किया, इसको हाफ किया, और 90% 100 का तो 90 होता है। ये कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए। आगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश टू द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग उर्दू इज 5:7। लेकिन फिलहाल तो कुछ पता नहीं चलता। अगर इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले लोग मालूम हो तो ना बताएं, तो फिलहाल तो नहीं मालूम। हाँ, इंग्लिश और उर्दू के बीच में 5:7 का रेशियो है। कहीं चाहे तो लिख देते हैं कि इंग्लिश एंड उर्दू के बीच में 5:7 का रेशियो है। जब तक वैल्यूज नहीं मालूम होंगे कैसे होगा। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग उर्दू एंड द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स।
टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स 200 है और उसका 10% 20, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, डिफरेंस डिफरेंस यहां डिफरेंस क्या है, 2, और वहां डिफरेंस क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ 200 यानी 20। 2 को अगर हम 20 बोले 10 टाइम्स तो 5 को क्या बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, डेफिनेटली इसे 50 बोलेंगे, डेफिनेटली इसे 70 बोलेंगे, यानी इंग्लिश बोलने वाले 70 हैं और उर्दू बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले 70 हैं, देखिए, और इंग्लिश बोलने वाले 50 हैं, वो देख लेना है आपको। पहले क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश टू उर्दू, तो इंग्लिश 5 उर्दू 7, तो 5:7, तो 5 मतलब 50, 7 मीन 70, इंग्लिश बोलने वाले 50 और उर्दू बोलने वाले 70, क्लियर, समझ गए, इंग्लिश बोलने वाले उर्दू बोलने वाले दोनों का रेशियो 5:7 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और डिफरेंस जो है वो टोटल नंबर का 10% है यानी 20 है, 2 means 20, 1 means 10, 5 means 50, 7 means 70। अब इस डाटा को हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ चुका। अब देखिए, इधर आइए, देखिए, इतना जानने के बाद आगे आगे आगे, among these three languages the number of Hindi speaking people इज द मैक्सिमम। ओके, हिंदी स्पीकिंग मैक्सिमम है तो पता है, इंग्लिश 50 है, उर्दू 70 है, हिंदी 90 है, वो तो ठीक है। 15 डेलीगेट्स आर दोज हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक उर्दू। नहीं समझे, वो पढ़ने के पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए। हिंदी बोलने वाले ये सर्कल, इंग्लिश बोलने वाले ये सर्कल, उर्दू बोलने वाले ये सर्कल, हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले ये सर्कल, लेकिन लिखा रहे कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते और उर्दू नहीं बोलते, तो ये सर्कल, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले में से उर्दू वाले को हटा दीजिए तो ये सर, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं लेकिन उर्दू नहीं बोलते, इंग्लिश और उर्दू दोनों बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, हिंदी एंड उर्दू दोनों बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन हिंदी एंड उर्दू बोलेंगे तो यहां तक आएगा, तीनों लैंग्वेज बोलेंगे तो यहां तक आएगा, ओनली हिंदी का मतलब ये वाला पार्ट है, ओनली उर्दू का मतलब ये पार्ट है, ओनली इंग्लिश का मतलब ये पार्ट है, ठीक, समझ गए। 15 डेलीगेट्स आर दोस हु कैन स्पीक हिंदी ओके एंड इंग्लिश ओके, ओके मतलब ये वाला, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक हिंदी एंड इंग्लिश, बट कैन नॉट स्पीक उर्दू, उर्दू नहीं, उर्दू नहीं, उर्दू नहीं, इसका मतलब यहां पर 15 है, समझ में आया, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं लेकिन उर्दू नहीं बोलते, एंड दिस 25% मोर देन नंबर ऑफ पीपल, दिस मतलब ये जो 15 है वो 25% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड उर्दू का मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इंग्लिश एंड उर्दू बोलेंगे तो ये पार्ट, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं क्या, क्या तो ये पार्ट क्या है, तो इस पार्ट में जितने हैं इसका 25% इससे ज्यादा है, ये यानी 125% है, यानी 125% को अगर 15 बोले तो 100% को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या 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 12 ना बोलेंगे, यानी 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 कि यहां पर 12 है, यहां पर, यहां मतलब इस पूरे जगह पर 12 है, 12 इस पूरे जगह पर 12 है, समझ गए, 12 का 25% 3
मोर है यानी 15, यही कहा था कि 15 जो है इस पूरे में जितने हैं उससे 25% मोर है, यानी उसको 100% माने तो 125% है, वो 15 है तो 100% क्या है, ये समझे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, 5% ऑफ द डेलीगेट्स कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, 5% माने 10, ऑल द थ्री लैंग्वेजेस मतलब यहां पर 10। अब आप बताइए कि ये पूरा 12 है और यहां 10 है तो यहां 2 हुआ कि नहीं, ये पूरा 12 है और यहां पर 10 है तो ये 2 हुआ कि नहीं। द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को हटा दीजिए, इस पूरे में से इंग्लिश को हटा दीजिए, दिस सेक्शन इज 5। ये इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। इसका ये भी मतलब हुआ कि इस पूरे सर्कल के अंदर में जितने लोग हैं वही ये थ्री लैंग्वेजेस जानते हैं, तो ये कुल कितने हैं? तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये हिंदी बोलने वाले 90 है ना यहां से यहां तक, लेकिन उसमें यहां पर 20, 10, 30 है, तो इसका मतलब ओनली हिंदी बोलने वाले 60 हुए, ओनली 60 हुए। ओनली इंग्लिश कितने हुए? तो देखिए टोटल यहां तक 50 है ना, और ये पूरा कितना 27 है, तो ये 23 हुआ, ओनली इंग्लिश बोलने वाले 23 हुआ। उर्दू में देखिए, उर्दू में ये टोटल 70 था ना यहां पर उर्दू, और यहां पर कितना है 15 to 17, यानी कि 53 हुआ, 53 जो हुए वो ओनली उर्दू बोलने वाले हैं। कुल मिला के हम ऐसे बात कर सकते हैं कि यहां तक तो हम जानते हैं कि ये 90 है, और इन्हें ऐड कर लें, तो ये 25 हुआ। देखिए पहले ये वाला, ये 25 और 50, ये 25 और ये 50, 75 और 90, 165 एंड 3, 168, यानी कि 200 में 168 लेस कर दीजिए तो 32 वो हुए जो इन थ्री लैंग्वेजेस में से कोई भी नहीं बोलते अदर देन दैट है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस पूरे जगह पर कितने हैं, इस पूरे जगह पर 32 हैं कि नहीं, देखिए 32 ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप समझ गए, हम लोग काउंट करने में इसको 90 काउंट कर लिए थे, 90 ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, थोड़ा क्वेश्चन के भी पहले एक बात कर लेता हूं, थोड़ा समझ लीजिए। इंग्लिश बोलने वाले 50, ओनली इंग्लिश बोलने वाले 23, देखते जाइए पहले मतलब समझते जाइए, इंग्लिश एंड उर्दू बोलने वाले 12, इंग्लिश उर्दू दोनों बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते तो 2, हिंदी एंड उर्दू बोलने वाले 15, हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते तो 5, थ्री लैंग्वेजेस बोलने वाले 10, ओनली वन लैंग्वेज बोलने वाले 53 ऐड कर दीजिए, समझ गया ना। अब आप डाटा को आराम से बोल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए, हाउ मेनी डेलीगेट्स आर देयर हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज आउट ऑफ हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश, सिर्फ एक लैंग्वेज जानता हो तो ओनली हिंदी, यानी कि ये 60, लिखने की जरूरत नहीं, यही काउंट कर सकते हैं, पर समझाने के लिए मैं बोलता हूं 60, ओनली इंग्लिश वन लैंग्वेज जाने वाले 23, एंड ओनली उर्दू जाने वाले 53, 136 हुआ कि नहीं, दैट मीन्स दिस इज द आंसर 136, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखता हूं, 136 इज द आंसर, समझ में आया, ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश एंड ओनली उर्दू, यही लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं, वन लैंग्वेज जानते हैं, समझ गया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डेलीगेट्स आर देयर हु कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस आउट ऑफ
हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी नहीं जानता, यानी जो थ्री सर्कल्स बने हैं उसके अंदर जो नहीं है। तो जो है 168 था, उसको हमने टोटल 200 में लेस किया, तो जो उसमें नहीं है यानी हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता, दैट इज 32, दैट इज 32 डी इज द आंसर। बोलिए समझ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु कैन स्पीक एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस आउट ऑफ हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड ओनली उर्दू लैंग्वेज। आइए द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु कैन स्पीक एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस, कोई भी दो भाषा जानता हो, कम से कम मतलब तीन भी जान सकता है। टू लैंग्वेजेस जानने वाले कितने लोग हैं? ये और ये थ्री, एग्जैक्टली टू जानने वाले 15 प्लस 5 प्लस 2 और तीनों जानने वाले 10। तो एटलीस्ट टू का मतलब हुआ टू जानने वाले या थ्री जानने वाले यहां पर। तो ये क्या हुआ 20, 10, 30 एंड 2, 32। 32 कितना परसेंट है? इज व्हाट परसेंट ऑफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड ओनली उर्दू, ओनली इंग्लिश एंड ओनली उर्दू। 23 प्लस 53 कितना हुआ? 76। ये 76 का कितना परसेंट है? हम लोग अप्रॉक्स भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसे नहीं भी कर सकते हैं, देखिए जरा देखिए, लेकिन जब एग्जैक्ट का मामला है तो करते हैं ना एग्जैक्ट, क्या प्रॉब्लम है? जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 19/5 जब बोलते हैं 40 निकल जाता है और 40/19 होता है परसेंट, यानी 42 एंड 2/19%, 42 एंड 2/19% अदर देन द गिवन ऑप्शंस। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं ये कैलकुलेशन कैसे हुआ। यहां पर क्या आया था, 8 × 100/19, हम लोग 100 को 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 5 जब बोलेंगे ना 95 एंड 5/19 बोलेगा कि नहीं, 100/19 into 8। इसी को हमने कहा कि भाई इसका क्या अर्थ है, यही तो अर्थ है ना, दैट मीन्स 40 और दैट मीन्स 40/19। इसको हमने ब्रेक किया तो क्या आया 40 प्लस 2 एंड 2/19, इसे 42 बोलेंगे कि नहीं, यही 42 एंड 2/9% हुआ अदर देन द गिवन ऑप्शंस। बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये एक शानदार कैसलेट का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस का खूब प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। मैं तो तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर के आपके पास आता रहूंगा, लेकिन अब तक जो मेरे अपलोडेड वीडियोस हैं उन्हें आप बार बार देखें, वो आपके सक्सेस का वाहक बनेगा। ऑल द बेस्ट।